नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 टुडे और इस वक्त हम है बारा गोविंद पंचायत पूर्वी चंपारण। और यहाँ पर अभी पंचायत का जो इलेक्शन है दौर जारी है और इसी क्रम में पहुँचे हैं यहाँ के आम जनता से मिलने के लिए और बातें करते हैं कि यहाँ पर उनके 5 साल में क्या क्या विकास हुआ। तो ये जानते हैं, क्या नाम हुआ आपका? रामू मांझी। कौन सा गाँव घर हुआ? बारा गोविंद। तो 5 साल में कुछ विकास हुआ है गाँव? नहीं हुआ है जी। घर वगैरह मिला है? नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला है। मुखिया के पास गए थे? मुखिया के पास तो नहीं गए थे हम, हाँ, लेकिन फिर भी नहीं मिला है। नहीं मिला है तो मुखिया के पास कहीं नहीं गए? मुखिया के पास हम ना गए कि वार्ड हमारा वार्ड शर्त है, वो जाएगा ले आएगा खींचेगा देगा, लेकिन अभी नहीं दिया। नल जल लगा हुआ है? नल जल लगा हुआ है सर, चला नल जल, चला 8-10 दिन, चला 15 दिन, इसके बाद में बंद हो गया पानी। 10 दिन में बंद हो गया? हाँ बंद हो गया, इसके बाद पानी उन्हें कुछ नहीं आता है। तो इसका शिकायत तुम एसी वार्ड मेंबर से की है? नहीं किए सर। नहीं किए? नहीं किए। करना चाहिए ना? नहीं किए हम। 10 दिन के बाद चलने के बाद ही नल से पानी आना बंद हो गया। यह जो भ्रष्टाचार है ना नल जल योजना में, यह एक गांव की नहीं है, बिहार की कई गांवों की समस्या है और इसको सुधार करने के लिए अभी नीतीश सरकार एक भी कदम नहीं उठा पा रही है। आखिर कारण क्या है? इसमें जो भी भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे तक केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। और इसमें आपका क्या नाम है? राम आशीष। का गाँव में कुछ काम हुआ है 5 साल में? नहीं हुआ है। घर वगैरह मिला है? ना घरों नहीं मिला है। सामने फूस वाला घर आप ही का है? हाँ फूस वाला है। अच्छा, नल जल में पानी आता है? नल जल लगा हुआ है? नहीं, वो टंकी सूखा है। टंकिए में है? हाँ सूखा है वो एकदम। हाँ पानी उन्हें कुछ नहीं चलता है? पानी नहीं चलता है। नहीं। नीतीश जी बोलते हैं कि नल जल में पानी चलता है, नल जल में नल में पानी आता है। नहीं ये कोई एकदम 5 साल में 15-20 दिन चला, उसके बाद बंद। बस 15-20 दिन के बाद बंद हो गया? बंद हो गया है। न सड़क न कुछ नहीं, यहाँ पर भेल बा विकास कुछ नहीं भेल बा। कोई विकास नहीं? कुछ ना।